हेलो एवरीवन, माय सेल्फ भावना राणा कुशवा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर नानकमत्ता क्लास 9 सब्जेक्ट होम साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कि संतुलित जो भोजन होता है उसके निर्धारक कारक कौन कौन से होते हैं। तो संतुलित भोजन के लिए हमें 3-4 प्रकार के जो निर्धारक जो कारक होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि आयु, लिंग भेद, जलवायु का अंतर तथा शारीरिक परिश्रम, इन सब के आधार पर हम क्या करते हैं कि जो संतुलित जो भोजन होता है वह व्यक्ति को किस प्रकार देना है वो सब देख के दिया जाता है। सबसे पहले है हमारा आयु। आयु से क्या होता है कि संबंधित व्यक्ति की आयु को ध्यान में रखना सबसे अधिक आवश्यक है कि हमें जो संतुलित जो भोजन देना है, जो आहार देना है, वो क्या होता है कि व्यक्ति की आयु को ध्यान में रखकर देना चाहिए। कि अगर व्यक्ति छोटा है तो जो संतुलित भोजन जो होगा वह कम मात्रा में दिया जाएगा। अगर व्यक्ति बड़ा है तो संतुलित भोजन क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए। बच्चों के भोजन में भी तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए जो शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। कि अगर हमें जो संतुलित भोजन बच्चे या व्यक्ति को देना है तो बच्चों को हम दे रहे हैं वो संतुलित भोजन, तो वो क्या होता है कि वह भोजन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि हम उनमें कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, मिनरल्स, अमीनो अम्ल जो होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में दें, जिससे कि जो भी व्यक्ति है या फिर बच्चा है तो उसकी जो वृद्धि ग्रोथ हो सके वह पर्याप्त मात्रा में हो सके। नेक्स्ट है हमारा लिंग भेद। स्त्री एवं पुरुष के शरीर के आकार एवं वजन में भी अंतर होता है कि हमें जैसा कि हमें पता है कि लिंग भेद के आधार पर जो संतुलित भोजन होगा वह किस प्रकार देना चाहिए। कि स्त्री का शरीर क्या होता है अलग होता है तथा पुरुष का शरीर अलग होता है, कि लिंग भेद के आधार पर हम भोजन जो संतुलित भोजन है उसको किस प्रकार दे सकते हैं। कि स्त्री और पुरुष के शरीर के आकार के आधार पर हमें क्या करना चाहिए कि भोजन देना चाहिए। कि इसलिए भोजन में अंतर होना चाहिए कि स्त्री को लगभग कम भोजन की आवश्यकता होती है भार के अकॉर्डिंग तथा पुरुष जो होता है उसका भार अधिक होता है। स्त्री के अकॉर्डिंग तो उसको क्या है कि जो पुरुष होगा उसको भोजन की मात्रा अधिक देनी चाहिए तथा स्त्री जो है लिंग भेद के आधार पर तो उसको भोजन की मात्रा पुरुष से कम देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जलवायु का अंतर। कि जलवायु का अंतर की सामान्य रूप से हम क्या देखते हैं कि जो ठंडी जो जलवायु वाले जो देश होते हैं उनमें भोजन की मात्रा क्या होती है थोड़ी ज़्यादा होती है तथा जहाँ पर गर्म जलवायु वाले जो देश होते हैं उनमें उन व्यक्तियों में क्या होती है भोजन की मात्रा हम थोड़ा कम रखते हैं। क्योंकि कि सामान्य जो ठंडी जलवायु वाले देश होते हैं उनमें जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है मिनरल्स होते हैं वो पसीने के रूप में क्या नहीं निकलते हैं। लेकिन जो गर्म जलवायु वाले जो देश होते हैं उनमें भी व्यक्तियों में से जो ऊर्जा होगी तथा जो पसीने की मात्रा होगी वह जल्दी निकल जाते हैं। तथा नेक्स्ट है हमारा शारीरिक परिश्रम। कि शारीरिक परिश्रम के आधार पर हमें भोजन का क्या करना चाहिए आहार भोजन जो है उसका निर्धारण करना चाहिए। कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करता है तो उसको भोजन की मात्रा क्या देनी चाहिए ज़्यादा देनी चाहिए। कि अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि परिश्रम कम कर रहा है तथा उस व्यक्ति को कम भोजन की आवश्यकता है तो उसको जो भोजन की मात्रा है वह कम देनी चाहिए। जो शारीरिक श्रम वाले जो व्यक्ति होते हैं खासतौर की जो ईंट भट्टों में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं जो रोडे बना रहे हैं या फिर जो श्रमिक प्रकार के व्यक्ति हैं उनको भोजन की आवश्यकता क्या होती है ज़्यादा होती है क्योंकि वो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।